गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? फिर आज हम लोग नए क्लास के बारे में बात करेंगे। आज जो ये चैप्टर हम पढ़ा रहे थे आपको, तीसरा वाला रिजरेखीय पथ के गत, इससे संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम सवाल लगाते हैं कुछ न्यूमेरिकल। कह रहा है एक न्यूमेरिकल है, एक कण 2 मीटर व्यास के एक अर्धवृत्त, एक कण 2 मीटर व्यास के एक अर्धवृत्तीय पथ पर एक छोर से यात्रा आरंभ करके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। गणना कीजिए कण द्वारा चली गई दूरी और दो नंबर विस्थापन ज्ञात करना है। दो नंबर क्या ज्ञात करना है? विस्थापन। तो ये जो न्यूमेरिकल है, एक कण 2 मीटर व्यास के, 2 मीटर व्यास के अर्ध वृत्तीय पथ पर एक छोर से चलकर दूसरे छोर पर पहुंच जाता है, ज्ञात कीजिए, एक नंबर कण द्वारा चली गई दूरी, और दो नंबर विस्थापन। पहले आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है, फिर क्या ज्ञात करना है? डिस्प्लेसमेंट। पहले आपको कण के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है और फिर आपको क्या ज्ञात करना है? फिर आपको ज्ञात करना है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए ना, दिया है कण का व्यास, कण का व्यास d बराबर कितना है? 2 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर 1 मीटर। अब पहले फर्स्ट पार्ट लगाएंगे। पहला पार्ट क्या है? कण द्वारा चली गई दूरी, कण द्वारा चली गई दूरी। तो देखिए इधर, देखिए ए से चल करके कण कहाँ तक पहुंचा है? बी पे। अब यहाँ पे जो इसकी ये केंद्र है और इसकी ये त्रिज्या है, ठीक है, तो ये त्रिज्या 1 मीटर दिया है, आर 1 मीटर, 1 मीटर। अब यहाँ से ऐसे चल के ऐसे ऐसे यहाँ पे आया, बी पे आया। अब देखिए वृत्त के परिध पर, यानी एक चक्कर पूरा करने में, अगर यहाँ से चला था ऐसे घूम करके, फिर ऐसे ऐसे घूम करके कहाँ आ जाता? यहाँ। तो एक चक्कर पूरा हो जाता, तब चली गई दूरी कितनी होती? तब चली गई दूरी होती 2πr। लेकिन यहाँ पे क्या है? आधा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चली गई दूरी बराबर अर्ध वृत्त का परिमाप, अर्ध वृत्त का परिमाप। तो आधे वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? पाई आर। तो पाई का मान 3.14, आर का मान 1, यानी कितना आ जाएगा? 3.14 मीटर। यह आपका पहला आंसर है। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या कह रहा है? विस्थापन कह रहा जाता है। तो ए से चलता है तो ये इसकी क्या है? प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक
बिंदु, और ये क्या अंतिम बिंदु, यहाँ पे बीच में पहुंचता है, ये अंतिम बिंदु। तो आप दूसरा नंबर आपको क्या याद करना है, विस्थापन याद करना है, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, दूसरा नंबर आपको क्या याद करना है, विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहते हैं, किसी वक्त के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी। तो यहाँ पे कम से कम दूरी ए बी के बीच में कितनी है, 1 मीटर, ये और इधर भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, यानी विस्थापन कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा आंसर है, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल आप देखिए, अब और आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इसी तरीके से हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की भी बात करते हैं। ये तो जनरल न्यूमेरिकल था, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हम आपको लगा के बताते हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है 3.3। एनसीईआरटी का 3.3 हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल हम पढ़ रहे हैं, सवाल लिखेंगे नहीं, आप सवाल सुनिए। एक महिला, पहला और दूसरा जो है 3.1 और 3.2, ये पढ़ के खुद आप लिखिएगा, तीसरा मैं दोबारा। एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय से एक सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वहाँ वह सायं 5 बजे तक रहती है और वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए तथा उसकी गति का ग्राफ खींचिए। तो ये देखिए सवाल थोड़ा जटिल है, सवाल क्या है हम लिखे देते हैं जिससे आपको लगाने में आसानी रहे। मतलब एक बार फिर से बता देते हैं, एक महिला है अपने घर से 9 बजे चलती है और सीधी सड़क पर कार्यालय उसका घर से जो दूर है वो 2.5 किलोमीटर, ठीक ही है, ये घर है और ये क्या है उसका ऑफिस, ठीक है ना, ये उसका ऑफिस है, यानी वो ये उसका क्या है कार्यालय है। महिला अपने घर से कार्यालय के लिए निकलती है तो ये उसका क्या है कार्यालय, कार्यालय। अब ये घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर, ये सड़क है, ये क्या है रोड है, ये रोड है। महिला अपने घर से कितने बजे निकलती है, प्रातः 9 बजे महिला अपने घर से चलती है और कार्यालय पहुंचती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इस समय जब महिला चलती है तो उसकी चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर क्या होता है, वह सायं 5 बजे तक रहती है और वहाँ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर घर लौटती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए तथा समय गति का ग्राफ खींचना है। तो देखिए घर से कार्यालय तक की गति के लिए महिला को कितना समय लगता है, ये समय हम निकालना चाहिए। तो देखिए इधर महिला महिला को प्रातः कार्यालय पहुंचने में लगा समय, तो महिला को प्रातः कार्यालय पहुंचने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर की है और चाल उसकी कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 10 बटा 0, 25 गुना 50, यानी कितना लगा, 1/2 घंटा, यानी इसको लिख सकते हैं 30 मिनट।
यानी महिला अपने घर से अगर 9 बजे निकलती है ऑफिस के लिए तो 9:30 पे ऑफिस पहुंच जाती है। अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि महिला जब ऑफिस पहुंच जाती है तो वो फिर क्या करती है, वह शाम 5 बजे तक रहती है, 5 बजे तक ऑफिस में रहती है, फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर अपने घर लौट आती है। अब देखिए इधर इसके नीचे आप लिखिए, महिला के ऑफिस यानी कार्यालय पहुंचने का समय, तो कितने बजे पहुंचेगी, 9 बजे चली, आधा घंटा जाने में लगा, यानी 9:30 9:30 में महिला कहाँ पहुंच जाएगी, कार्यालय पहुंच जाएगी 9:30 प्रातः, सुबह 9:30 महिला कार्यालय पहुंचेगी। जब 5 बजे तक रहेगी फिर क्या करेगी, 25 किलो कार्यालय में ठहरने का समय, कार्यालय में ठहरने का समय, तो कार्यालय कितनी देर, 9:30 से 5 बजे, सवेरे 9:30 से लेकर के 5:30 तक ठहरी कार्यालय। अब फिर क्या होता है, कार्यालय से वापस लौटती, तो देखिए इधर वापस लौटने, देखिए इधर घर लौटने में लगा समय, तो घर लौटने में लगा समय ठीक तो बराबर, दूरी कितनी है 2.5 किलोमीटर, चाल कितनी है, किससे लौटती है महिला, तो महिला ऑटो यानी टेम्पू से लौटती है, उस टेम्पू की चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए 10 गुना 0 बढ़ जाएगा 10, 1/10 घंटा, 1/10 घंटा, अब 1/10 घंटा में हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 60/10 मिनट, यानी कितना लगेगा 6 मिनट, वापस लौटने में कितना समय लगता है 6 मिनट, यानी देखिए वह 5:06 पर घर पहुंच जाती है, 5:06 पर वो क्या होगा घर पहुंच जाएगी। अब उसका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो सवाल एक बार आप देख लेंगे ठीक है ना, अब इसके बाद में इसका हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, तो ग्राफ देखिए कैसे प्लॉट करेंगे इसका हम, इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए, तो ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे, एक तरफ समय मान लेंगे और दूसरी तरफ क्या मान लेंगे, दूरी मान लेंगे, तो देखिए इधर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु वो है, टाइम यहां, ये इसका घर है, ये क्या है घर है, ये कितने बज रहे थे 9, प्रातः 9 के बाद क्या बजा 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे क्या बजा 5 और यहाँ पे क्या बजे 6 बजे, ये आपका क्या है समय किसमें है घंटा में, अब ये क्या है यहाँ दूरी किसमें है किलोमीटर में, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कितना है 1, यहाँ पे क्या हुआ 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या होगा 2.5, ये क्या है कार्यालय। अब देखिए 9 बजे चलती है तो
9:30 के हो गए, यहाँ पे कहाँ होगी कार्यालय? 9:30 पर होगी। तो ऐसे ग्राफ बनाए। अब 9:30 जब वो कार्यालय पहुँच जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि वो 5 तक कार्यालय में रहती है, यानी समय बढ़ रहा है। समय बढ़ रहा है लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ, 5:06 से 5:06 के वो कहाँ पहुंच गए घर? तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ये टाइमिंग क्या है, 5:06 साइन कहाँ पहुंच गए घर पहुंच गए। तो ये उसका क्या हो गया ग्राफ। आगे हम और न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ये न्यूमेरिकल लगाइएगा, वीडियो कैसा लगा लाइक करके हमको जरूर बताइएगा, कमेंट में अपनी प्रक्रिया दीजिए। धन्यवाद।